नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में विप्रो और इन्फोसिस दोनों के ही कलेक्टिव एनालिसिस करेंगे, जहां दोनों ने ही क्वार्टरली नंबर डिक्लेयर करे और मेरे इस डिक्लेरेशन जो नंबर आए हैं उसके आगे के क्या व्यूज हैं इसको समझें। इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन करें। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। पहले विप्रो को समझते हैं। विप्रो की प्रॉफिटेबिलिटी अराउंड 21% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और लगभग 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। रेवेन्यू की बात करें तो 1% लगभग गिरा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा है। साथ में ही विप्रो ने 1:1 के जो बोनस है वो डिक्लियर करे हैं। रेवेन्यू गाइडेंस थोड़ा घटा है, जो 0% से -2.2% तक के ग्रोथ गाइडेंस दिए गए। और आईटी के स्टॉक क्वार्टरली नंबर पे नहीं रिएक्ट करता है, उसकी रिएक्शन जो आती है वो गाइडेंस पे आती है। पिछले कुछ क्वार्टर में हमने यही देखा है। इस समय एज पर माय ओन एक्सपीरियंस जो हमने बाजार से सीखा, मुझे ऐसा लगता है कि विप्रो के नंबर्स बेटर रहे हैं। विप्रो में बहुत ज्यादा गिरावट मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। 560 एक मेजर रेजिस्टेंस है। 560 का अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर जो हमारे टारगेट है विप्रो स्टॉक में वो लगभग 620 टू 740 का दिखेगा। जब तक ये स्टॉक 500 के नीचे नहीं जाए, ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रांग है क्योंकि 500 और 520 एक मेजर डिमांड जोन दिख रहा है और ओवरऑल विप्रो के मेरे व्यूज स्ट्रांग हैं। दूसरी जो एनालिसिस रही वो रही इन्फोसिस की। इन्फोसिस के अगर क्वार्टरली नंबर को आप देखें तो जो सीएनबीसी टीवी पोल थे उसको तो बीट नहीं कर पाई। लगभग 6500 करोड़ की प्रॉफिट रही, 6800 करोड़ के एक्सपेक्टेशन थे। लेकिन अगर एक्चुअल नंबर के कंपेरेटिवली देखें तो कंपनी की रेवेन्यू प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग 2-4% बढ़ता हुआ दिखा है। इसके साथ ही इन्फोसिस के गाइडेंस भी थोड़े घटे हैं, 2% to 4% के आसपास के गाइडेंस हैं। और इन्फोसिस ने 21 रुपीज, विच इज 420% के डिविडेंड डिक्लियर करा। और इस समय देखें तो इन्फोसिस आज भी लगभग 3% to 3% की तेजी में ट्रेड कर रहा है। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि विप्रो के मेजर सपोर्ट 1840 के आसपास का है। अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करें तो व्यू इनवैलिड ही है, लेकिन अगर 1900 के लेवल को रिस्पेक्ट करें तो मेरा मानना है कि इन्फोसिस 2080 से लेकर के 2200 तक के पोटेंशियल टारगेट दिख सकता है। साथ में ही अगर अभी तक आप बाजार के बेसिक्स टू एडवांस को नहीं समझते हैं तो हमारे मार्केट साइंटिस्ट को आप के जो मास्टर क्लास है उसको ज्वाइन करें, जहां 1x1 यानी आप और मैं आमने सामने होते हैं, आपके सभी बेसिक क्वेरी का आंसर दिया जाएगा। और आई होप ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।